इस वक्त कराची में बज रहे हैं रात के 2:30। मेरे पेपर्स हो चुके हैं, मेरे इस वक्त स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, मेरे घर में इस वक्त सब सो रहे हैं, मैं अपनी छुट्टियों को अवेल नहीं कर पा रहा हूँ। और इस 2:30 बजे मुझे सूची की शरारत, मुझे इस 2:30 बजे कहीं जाना है। कहाँ जाना है मुझे? बीच पे जाना है। और हाँ भाई, बीच पे जाना है। 2:30 बज रहे हैं रात के। अपने मेंबर्स, अपने भाइयों को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कितना समय, क्योंकि जाना है तो भाई अभी जाना है तो भाई अभी जाना है और मेरे साथ जाना है। नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मेंबर्स के साथ जाना है। चलते हैं और सी ऑन करते हैं। अगर पहले अपने मेंबर्स से पूछते हैं कि क्या वो चलेंगे, क्योंकि मैं कॉल करता हूँ। बस सो ही रहा था, बोले बोले। सॉरी, बस दो कपड़े छोड़ी रेडी रखो, सोना नहीं, सज्जाद भाई विजिट करने आ रहे हैं, हमें अभी जाना। अरे भाई, इतनी ठंड में इतनी रात को कहाँ जाना है, मैं तो सो रहा था। बस वो छोड़ो, कहाँ जाना है, हमें अभी जाना है, रेडी रहो। अच्छा भाई सही, मैं रेडी हो रहा हूँ। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। अभी हो रहा है 3:50 और हमारा भी प्लान बना है कि 4:20 पे हमने निकलना है हॉक्स पे या सेंट स्पिट के लिए। और आज दिन है ट्यूसडे। हाँ तो भैया जी, हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त हॉक्स बे सैंड स्पिट के लिए। 1-1.5 घंटे पहले प्लान बना है, मैंने सोचा व्लॉग बना लें। ड्रोन चार्ज पे लगा दिया है, पैक पैक नहीं हुआ है, पैक पैक करते हैं। और इस वक्त घर में तकरीबन सब सो रहे हैं, इसे मैं जाग रहा हूँ। निकलेंगे, प्लान बॉनफायर का है। ठंड हो रही है, नहाएंगे, तफरी करेंगे, शुगर लगेंगे। प्लान बॉनफायर का है और कुछ तफरी करने का। हमारे साथ जो जाबाज होने जा रहे हैं उनको हम दिखाएंगे। जाबाज मेरे जाबाज, आपके भाई के जाबाज, आपके भाई के जाबाज को दिखाएंगे हम जब हम लोग निकल रहे होंगे, यानी जब वो लोग आ जाएंगे। अभी चलते हैं, बैग पैक करते हैं। हाँ तो भैया जी, बैग पैक हो गया है। आपको बैग दिखाऊंगा, मैंने जितना सामान लिया है ना, आपकी सोच है बॉस, आपकी सोच। ड्रोन वो चार्ज हो रहा, सारे सीट्स जी। तो हम नीचे उतर रहे हैं, अभी मेरे दोस्त लोग नहीं आए। मैं इसलिए उतर रहा हूँ क्योंकि अम्मा अब्बा सो रहे हैं, सब सो रहे हैं घर में, तो मैं उतर जाऊँ। और ऐसा लग रहा है कि मैं जंग पे जा रहा हूँ। कसम से इतनी तैयारियाँ की हुई हैं, आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जंग पे जा रहा हूँ। वो लोग अभी तक भी नहीं आए और अब 6 बजने को आ गए, जबकि हमारा प्लान था कि हम 4 बजे निकलेंगे। यही तो मज़ा है असल। लेट्स वेट फॉर देम, जब आते हैं तो आपको बताता हूँ। मैं नीचे बैठा हूँ। इस वक्त 4 बजने, 4:11 हो रहे हैं और हमें 3:50 से कहा जा रहा है कि मैं घर से निकल गया हूँ। और वो शख्स कोई और नहीं, ये शख्स थे वो मिस्टर सज्जाद आलम, लेट कॉमर। एक होता है स्कूल में लेट कॉमर और यहाँ पे हर जगह लेट है हम, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। और सही साहब, सबसे अर्ली एक और भी, वो गायब हो गए। नहीं नहीं, सो के उठे थे, दोनों गायब हो गए। मिलवाते हैं आपको, आप सब्र तो होगा ना, जरा उनसे भी मिलवाते हैं हम। अभी पहले तो नाश्ता करने आए हैं 7:11 पे, जब हमने बोला वहाँ गए, जब हमने बोला इतना लेट हो गए तो और भी लेट हो जाए, वो खड़े है वो शख्स, आपको मिलवा शख्स और भागने की कोशिश में। सर बहुत मजा आ रही है, सर बहुत मजा आ रही है। जी सर, लेट कॉमर कुछ कहना चाहेंगे? उमर भाई को लो,
निकाल पैसे, निकाल अपने, निकाल पैसे। ये भी हमारे एक शख्स है, पासवर्ड तो बताओ भाई, पासवर्ड क्या है? कितने निकाले हो रही? 3,000। 10 निकालो, आप अमीर इंसान हो रही। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अमीर इंसान है ना, जिस तरह से पैसे कमाए हम आपको बता दे। नहीं नहीं, इसकी सबसे बॉम्ब है। कौन बोल रहा है? अच्छा आवाम, वैसे तो मैं, वैसे तो ये अंचोली में, अंचोली अंचोली में पैदा हुए। अबे वो कहां अंचोली में आ गए भाई? और अंचोली में आ गए, और अब जो है ये हाईवे की साइड पे रहते हैं हम, बीच शहर के इलाके में रहते हैं। और जब हमने बोला अकरम लस्सी आ जाए तो ये बहस कर रहे हैं। ये रहते हैं कटी पहाड़ी पे, ये कटी पहाड़ी के साथ जो नदी जा रही है, ये इसकी बराबर में इनका बंगला है। ये वो टेंट वाला बंगला ना जो कनाते होती हैं, पानी जब बारिश आती है डूब जाता होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलात हैं हमें। खाना लेकर आए आप लोग यार? सर जरूर, सर जरूर, बहुत मुश्किल। देखिए मैंने मैंने आज शर्ट भी भूखे नहीं सोएंगी पहनी है, हम हाजिर हैं टीम, भूखे नहीं सोएंगे हाजिर है। वाले आए थे वो देखेंगे दोबारा दोबारा, कौन आया था? सैलानी वाले आए थे, सैलानी वाले आए थे, देखे गए जैकेटें कुछ होता ही नहीं। ये सैलानी की पहनी है, और ये जूते, और ये जूते हमने दिलाए, हेयर कट हमने कराया था ईद पे, पता नहीं बड़ा ही नहीं हो के तेरे बाल भी। बहुत मुश्किल आते हैं, रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं हम लोग। आपके पास अपना कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, बोल दो बोल दो, कुछ नहीं, चड्डी सारी मनी है। जी हमने नाश्ता वाश्ता करके हम निकल गए ऑक्स बे के लिए, हम लियारी एक्सप्रेस से गए और 100 की स्पीड पे गाड़ी चली। पिज़्ज़ा बॉस, हम यहाँ चिप्स विप्स लेने के लिए रुके, ठंड का लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है भैया, बहुत महंगा बेच रहे हैं, बताएं क्या वजह है? ये तो मिट्टी उट्टी की वजह से हम तफरी उड़ाई और लेने के लिए तो जो बोल रहे हैं बहुत महंगा, क्यों भैया क्या वजह है? वजह ये बेटा, ये कितने पॉइंट है? आई एम द वन द वे यू कैन डू नीड टू आवर्स लेटर वी हैव रीच्ड सेफली। इस वक्त 12 डिग्री हो रहा है और सीन्स, बल्कि मेरा जो लाइन है, हालात कुछ ऐसे हैं। पीस, check out the cinematics. सज्जाद भाई, और सज्जाद भाई को पड़ेगी फिट बॉल। करें आने के लिए, हमने तो सफर किया है आने के लिए, आप आए जब ले
ग्यारी एक्सप्रेस वे से अगर आ रहे हो तो हम ग्यारी एक्सप्रेस वे से ग्यारी एक्सप्रेस वे उतर के तीन चार रास्ते जाते हैं, कुछ प्राइवेट जगह है जहाँ से जाने नहीं देते कुछ है। आप यहाँ से पूछताछ करेंगे तो अल रहमान यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है आपको जाना था। हम फुटबॉल खेल लें, पहले घोड़ा चलाते हैं, फिर फुटबॉल खेलेंगे, फिर स्विमिंग करेंगे, ठीक है। बाकी कचरा यहाँ पे बहुत है, मतलब एंड कचरा है। ये देखिए आप, मैं कचरा दिखाऊं, मैं आपको कचरा दिखाऊं, यहाँ कितना कचरा है, कितना कचरा है। मैं तो बहुत मेला इंसान पहले ही मेले हूँ। ये मेला है यार, चलो यार उमर आए घोड़े की राइड देखिए। मुश्किल है, मैं ड्रोन बड़ी खुशी से लाया था, उड़ाना आसान बात नहीं है, हवा का जो लेवल है, मेरे ड्रोन को शट ही कर दिया, क्योंकि मेरा है बिगनर ड्रोन और वो है टेलो ड्रोन, तो उसको शट ही कर दिया। अच्छा ही चंगा, मैं चालिया वालिया नहीं है, सब चल लेंगे चालिया। हम निकल रहे हैं, बड़ा सीन हुआ है, गाड़ी निकल नहीं रही थी, गाड़ी फंस गई थी, हमने धक्के मार मार के निकाली है। और सज्जाद भाई की इस वक्त फुल तभी फुल टाइम ऑन, इस वक्त हम खाना खाने कहीं जा रहे हैं तो वहाँ मिलते। तो भैया जी हम खाना खाने तो नहीं गए, ये गाड़ी में हम सब सो चुके थे और सज्जाद भाई ने सीधा घर छोड़ा हम सबको। तो जब मैं तो अपने घर तकरीबन 4 बजे पहुँचा था, और सबसे पहले मुझे ही छोड़ा था। हम सुबह मैं 4 बजे का प्लान था, हम लोग यहाँ से मुझे पिक किया उन्होंने 7 बजे, यानी आप समझें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 घंटे हमने बाहर बिताए। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय हुई, और अभी तक भी कानों से मिट्टी निकल रही है। मगर बात यह सारी कि हमने घर पे ही आके खाना खाया, 4 बजे मैं घर आया हूँ, और 4 बजे से लेके अभी रात के 12 बज रहे हैं जब जाके मैं उठा हूँ। मैंने नहाया धोया सब किया, उसके बाद भी ये देखे मिट्टी निकल गई, और हम दाल चावल खा रहे हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म किया जाता है।